होली आने वाली है और होली के इस त्योहार पर गुजिया ना खाएं तो फिर जो है कुछ नहीं खाया। तो आप इतना तो जान ही गए हैं कि आज गुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और इसमें ट्विस्ट ये है कि एक ही तरीके का बेस बना करके और मिक्सचर, और उसमें हम तीन तरह की गुजिया बनाएंगे। और सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हों, अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब हमने ले लिया गुजिया के लिए 2 कप मैदा, और इसमें हम डाल देंगे 1/3 कप देसी घी, और इन दोनों चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स करेंगे मसल के, और देखेंगे कि इस तरीके से अगर मुट्ठी बंधने लगी है तो मतलब ये जो है मोयन परफेक्ट है। अगर नहीं बंध रहा है तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। वैसे रेशियो ये होता है कि जितना मैदा हो उसका 1/5 पार्ट जो है आप मोयन के लिए डालिए, तो एकदम परफेक्ट मोयन होता है। सपोज 1 किलो लिया है मैदा तो 200 ग्राम उसमें घी जाएगा। और अब हम ग्रेजुअली पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके गूंथ लेंगे, और आपने देखा कि 1/2 कप इसमें पानी लगा 2 कप मैदे में, और इतने मोयन में 1/2 कप पूरा पानी चला गया है, और एक बढ़िया बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रहेगा और ना ही नरम रहेगा। आटा हम गूंथ लेंगे और मॉइस्ट कपड़े से इसे ढक करके रख देंगे। और एक टाइप की गुजिया का जो वेरिएशन है उसमें हम चाशनी पिलाएंगे गुजिया को, तो उसके लिए हमने जो है ले लिया है 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी, और इसमें डाल दिया 3-4 कुटी हुई इलायची और थोड़ा सा गुलाब जल 5 ml, और इसे हम 5 मिनट तक बॉयल कर लेंगे इस तरीके से, और जब बबलिंग आने लगे तो हम ऑफ कर देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा 1 तार 2 तार करने की ज़रूरत नहीं है, ये चाशनी रेडी है। और चलते हैं फिलिंग के लिए। ये हमने घर पर होममेड खोया बनाया है, और ये जो है खोए की क्वांटिटी करीब 600 ग्राम है, और इसमें हमने डाल दिया है 200 ग्राम ये ड्राई फ्रूट्स। आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है जितना मन कहे डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था और नारियल को ग्रेट कर लिया था, और साथ में डाल दिया है 1 टेबल स्पून चिरौंजी, और अब इसमें 1 कप चीनी और 5-6 इलायची हमने ग्राइंड कर दिया, और इस मिक्सचर में हम मिक्स कर लेंगे। तो साथ में इलायची पिस गई चीनी के, और ये जो है अच्छे से मिक्स करके हम एक बढ़िया फिलिंग रिच जो है तैयार कर लेंगे। इसमें हमने सूजी वगैरह कुछ नहीं डाला है, अगर आप डालना चाहते हो तो रोस्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन ये प्योर खोए का इस तरीके से मैंने बनाया है गुजिया, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। और इसका एक वेरिएशन हमने किया है, तो जो मिक्सचर था उसका 1/2 कप हमने ले लिया, 2 टेबल स्पून हमने डाल दिया कोकोआ पाउडर, ये जो केक बेकिंग में यूज होता है चॉकलेट पाउडर वही है, और इसे जो है हम मिक्स करके ये बढ़िया चॉकलेटी गुजिया बनाने के लिए एक फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो है ना बहुत ही आसान। आप जो है बच्चों को चॉकलेट पसंद हो तो इस तरीके से चॉकलेटी गुजिया का फिलिंग बना सकते हैं और चॉकलेटी गुजिया बना सकते हैं। और ये देखिए हमारा जो है डो एकदम बढ़िया सॉफ्ट जो है रेडी हुआ है। इसे हल्का सा मार लेंगे हम गुजिया बेलने के पहले, और उसके पहले हम स्लरी रेडी करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून मैदा, और इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल करके और एकदम थिक गाढ़ा जो है ड्रिपी कंसिस्टेंसी का हम घोल बना लेंगे, और ये जो है हमारा एडहेसिव का काम करेगा, जब गुजिया हम फिल करेंगे तो उसके एजेस को चिपकाने का काम करेगा। और अब जो है हम इक्वल साइज के इस तरीके से लोइयां काट लेंगे, और इसे जो है राउंडल्स हम बना करके इस तरीके से बढ़िया स्मूथ कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें क्रैक्स वगैरह ज़्यादा ना हो, और इसे अब हम जो है गोल गोल पूड़ी की तरह बेल लेंगे, और इसकी थिकनेस हम जो है इक्वल रखेंगे चारों तरफ, बिल्कुल जो है ये नहीं कि कहीं मोटा हो कहीं पतला हो। और ये हमने लगाई जो अभी रेडी की हुई मैदे की स्लरी, और फिलिंग डाला। फिलिंग एजेज पर जहाँ स्लरी लगानी है वहाँ बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो जब क्लोज करेंगे और फ्राई करते समय ये खुल जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एजेज में बिल्कुल भी गुजिया का फिलिंग ना जाए, नहीं तो फ्राई करते समय खुल जाती है। और देख सकते हैं इस तरीके से हमने प्रेस किया और गुजिया हमारी रेडी हो गई। तो बहुत ही परफेक्टली इस तरीके से आपकी गुजिया बनेगी, और इसी तरीके से सारी जो है फिलिंग हम भर लेंगे। और ध्यान रहे कि जो भी हम रिमेनिंग निकालते हैं मैदा ना, इस तरीके से साइड से
वो भी जो है हम एक मॉइस्ट कपड़े से ढकेंगे और गुजिया एक साथ तलने के पहले, जैसे ये कि हम 5-6 जब तक नहीं बना लेते तब तक हम फ्राई नहीं करेंगे, एक एक गुजिया तो फ्राई नहीं करनी हमें, तो उसको भी मॉइस्ट कपड़े से हम ढक करके रखेंगे। तो इस तरीके से जो भी बचे वो ढक करके रखिए, नहीं तो इसमें ड्राइनेस आ जाएगी और हमारी गुजिया परफेक्ट नहीं बनेगी। और जब जो है हमें फ्राई करना हो तो इस तरीके से हम लो टू मीडियम हीट पर ही गुजिया को फ्राई करेंगे, कभी भी हाई हीट पर नहीं करेंगे, नहीं तो गुजिया अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर जो है ये कलर पकड़ लेगा। तो इस तरीके से खस्ता गुजिया अगर बनानी हो तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है फॉलो करेंगे, बिल्कुल मार्केट से बढ़िया गुजिया आपकी घर पर रेडी होगी। मार्केट में आप ध्यान देते होंगे कि बाहर की कवरिंग ही जो है इतनी ज़्यादा होती है और फिलिंग अंदर काफ़ी कम होती है और साथ में उसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स होता है। तो ये जो है गुजिया बनाने का तरीका, आप घर पर मार्केट से बढ़िया गुजिया खानी हो तो फॉलो करेंगे तो बहुत ही परफेक्टली आपकी गुजिया रेडी हो जाएगी। और इसे मैंने थोड़ा सा कम जो है ऑयल डाला है, लेकिन अगर जो है ये तैरता हुआ ऑयल होगा ना तो गुजिया आपका फटने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और इसे मैं फ्राई कर रही हूँ घी में, आप वेजिटेबल ऑयल या जो भी ऑयल आप खाना पसंद करते हो, सरसों के तेल में तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप देख सकते हैं ये पहले टाइप की गुजिया हमारी रेडी हो गई है, फ्राई करके ये खाने के लिए रेडी है। चलते हैं चॉकलेटी गुजिया बनाने के लिए। इसके लिए हम सेम तरीके से फिल कर लेंगे और साथ में साइड्स में इस तरीके से स्लरी लगाएंगे, ये चिपकने का काम करता है और उससे गुजिया हमारी जल्दी खुलती नहीं है। और ये जो है देखिए भर करके ये गुजिया रेडी हो गई है और इसे भी सेम तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये जो है फ्राई करके फर्स्ट जो है इसका फेज रेडी है चॉकलेटी गुजिया का। और अब हम ये तीसरे टाइप की गुजिया फ्राई कर रहे हैं। जो फिलिंग है हमारी वही नॉर्मल फिलिंग, जो फर्स्ट हमने फिलिंग बनाई थी फिलिंग वही है, और इसे हम लगाएंगे चाशनी। तो चाशनी हमारी रेडी है जिसे हमने पहले ही रेडी कर लिया था। तो गर्म गर्म गुजिया इस तरीके से जो है चाशनी में डिप करेंगे, केवल 1 मिनट के लिए कोट कर देंगे और फिर जो है इसे निकाल करके एक्स्ट्रा जो चाशनी है उसे निकल जाने देंगे। तो ये जो है हमारी चाशनी वाली गुजिया भी रेडी हो गई। और अब मैं कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए चॉकलेटी गुजिया कितना बढ़िया जो है इसका फिलिंग है और परफेक्टली ये चॉकलेटी गुजिया रेडी हो गई है। और इसे आगे और चॉकलेटी बनाने के लिए भी मैं दिखाऊंगी। और ये रहा हमारा नॉर्मल फिलिंग वाला गुजिया, ये मैं कट करके दिखा रही हूँ कि अंदर देखिए कितनी अच्छी फिलिंग है। और अब जो है ये तीसरे टाइप वाली हम चॉकलेटी गुजिया बना रहे हैं, तो इसके लिए आप चाहें तो इस तरीके से और भी एक्स्ट्रा चॉकलेट ड्रिजल कर दीजिए या इस तरीके से पूरी तरीके से डिप कर दीजिए और इसे फ्रिज में रख दीजिए करीब 10 से 15 मिनट के लिए। ये चॉकलेट जम जाएगा तो इस तरीके से हाथ में नहीं लगेगा। तो ये है ना कंप्लीट चॉकलेटी गुजिया, या जो है पार्सली भी आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये रही चाशनी वाली गुजिया और साथ में ये खोए वाली गुजिया। तो बेस सारे में सेम है, फिलिंग भी सारे में सेम है, बस थोड़े से ट्विस्ट और ट्रिक्स के साथ में तीनों गुजिया का फ्लेवर और टेस्ट डिफरेंट हो गया है। और इसे अब हम सर्व करेंगे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट से। हमने पहले चॉप किया था उसे हमने थोड़ा सा बचा लिया था, और पिस्ता बादाम काजू से इस तरीके से, और थोड़े से रोज पेटल से। इससे जो है खूबसूरती इसकी और भी बढ़िया हो जाती है और साथ में खाने का मज़ा और अच्छा हो जाता है। एक्स्ट्रा क्रंच जो है ड्राई फ्रूट का ऊपर से बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कैसी लगी ये गुजिया की रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। कमेंट करके बताइएगा कि आपकी गुजिया कैसी बनी है इस होली। और हैप्पी होली आप सभी को। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।